हम जो मेन अट्रैक्शन देखने आए हैं वो देखने आए कि जंगल के अंदर क्या हमको हिरन दिखता है। तो लेट्स सी कि क्या है अंदर एक्चुअली कावेरी निसर्ग धाम में। ये फेंसिंग की है, चालू है बंद है, क्या है चालू बंद छोड़, इधर फेंसिंग है ना, ये चिकली बुकला कहीं से तो जाने का होगा। भाई साहब टर्बो नहीं खुला ना अपने गाड़ी, वहां से भागा के नहीं पड़ी। सो वी आर राइट नाउ एट द निसर्ग धामा। तो यहाँ पे हम देखने आए हैं कि डियर्स कहते हैं कि जंगल में आपको दिखते हैं, तो जाके हम चेकआउट करते हैं कि भाई एक्चुअली इसका क्या सीन है। बाकी आसपास की जो एनवायरनमेंट है वो देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिटेल स्टोर्स है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ राइड्स है लेकिन वो बंद है, और बाकी आपको कुछ खरीदना है आप खरीद सकते हो। लेकिन हम जो मेन अट्रैक्शन देखने आए हैं वो देखने आए कि जंगल के अंदर क्या हमको हिरन दिखता है। तो लेट्स सी कि क्या है अंदर एक्चुअली कावेरी निसर्ग धाम में। एंड रहमत इज रेडी फॉर एन एडवेंचर। से हेलो। तो यहाँ से हम जा रहे हैं टिकट्स लेने के लिए, और ये है मेरे ख्याल से डियर पार्क। यस, ये तो बहुत जबरदस्त है। सो एक ब्रिज बना हुआ है रिवर के ऊपर से, एंड देयर आर बोटिंग एक्टिविटीज आल्सो। यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, ठीक है, एक नेशनल पार्क टाइप की फीलिंग आती है, एंड जंगल से पूरे घिरे हुए हम आगे होपफुली हमें डियर देखने मिल जाएगा, वरना बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। सो गाइज, आई एम गोइंग फॉर जिप लाइनिंग। तो पूरा जो प्रोटेक्शन ये सब के साथ में, हेलमेट और ये सब, ओके। सो अभी इतना ऊपर चढ़ना है, चलो देखते हैं कि भाई क्या एक्सपीरियंस है इसका। ये बॉस बहुत मज़ा आ गया है, छोटा सा लेकिन करने को बहुत मज़ा आता है। आना वसूल हो गया वैसे यहाँ पे, डियर का तो अता पता नहीं, लेकिन ये जिप लाइनिंग एक्टिविटी अच्छी है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 100 रुपया खाली, ये भूल जाता है हर इंसान। हाँ चलो, लॉट्स ऑफ फन। रहमत, रहमत करेगी जिप लाइनिंग? नहीं, रहमत बड़ा होके करेगी जिप लाइनिंग, अभी फिलहाल वो बिजी है सोने, उसको नींद आ रही है। हाँ, लेकिन बड़ी शांत बच्ची है ये एकदम, सच्ची बहुत बहुत ऐसे, वरना बच्चे चीखम चिल्ले। हाँ, दादी मम्मा तक गई। सो गाइस, हिरन एक्चुअली है यहाँ पे, आना वसूल हो गया यहाँ पे, क्योंकि जिप लाइनिंग तो ठीक है, वसूल हो गया, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे फोटो से ही दिल भर जाता है। हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ। यहाँ पे सारे हिरन बैक टू बैक, कितने सारे हिरन देखिए,
ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं भी आपको क्लोजअप जूम करके दिखाता हूँ। चलो फाइनली हमें देखने मिल गए डियर, तो थैंकफुली डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। एंड इनफैक्ट जिप राइड और ये दोनों बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है, आप यहाँ पे बिना कोई टेंशन आ सकते हैं, आपको 100% यहाँ डियर देखने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये पेड़ देखिए ये कितना हॉलो है, ये देखिए कितना हॉलो है, अद्भुत एकदम। और वो देखो ऊपर खड़ा है, लेकिन तो गाइस यहाँ पे बर्ड्स देखने के लिए और उन्हें फीड करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो जब भी उनसे पूछा हमने तो उन्होंने कहा कि अभी खाली मकाऊ है, तो वो तो हमने बर्ड देखा हुआ है। तो गाइस बहुत मज़ा आया यहाँ पे, इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप 1 आवर तक स्पेंड कर सकते हो और आपको मज़ा आएगा। अगर आपने बोटिंग करनी है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो भाई इस ब्रिज पे हमने बहुत अच्छी सेल्फियाँ वेल्फियाँ खींची हैं और ये दिखेंगे आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे #sing22। और अभी रिटर्निंग बैक टू होटल, लेकिन उससे पहले शायद कुछ हम खाने पीने का प्रबंध करेंगे। वो देखो पूजा वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही है हमारी और हम यहाँ से पूजा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा। आप अगर यहाँ पे आए हैं कुर्ग में तो ये जगह ज़रूर आइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर फिर भी यू विल एन्जॉय। हमने तो एन्जॉय किया, जिप लाइनिंग की, डियर्स देखे और अभी फोटोग्राफी भी की, तो इट इज़ अ नाइस पॉइंट टू विज़िट। और हाँ आपको मैं बता दूँ, जो एंट्री फी है इसकी मिनिमल है, 20 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब अडल्ट। और उसके बाद अंदर जाके एडिशनल चार्जेस है, जिप लाइनिंग का 100 था पर पर्सन, एंड जो बर्ड फीडिंग है उसका भी चार्जेस अलग है। जो ये 20 रुपीज़ है उसमें आप खाली डियर्स को देख सकते हैं, एंड थैंकफुली डियर्स हमें दिखे, सो यू आर हैप्पी अबाउट इट। सो रहमत को मॉन्क्स से ब्लेसिंग मिल रही है, थोड़ा दूर से है, क्लैरिटी नहीं है इतनी, लेकिन से पता चल जाता है। कहीं से तो जाने का टर्बो नहीं खुला ना, अपने गाड़ी वहां से भागा के नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि क्योंकि बारिश का सीजन नहीं है तो पानी एकदम नीचे है, तो ये एक आम रिजर्वायर जैसा लगता है। वो जो हॉर्स शू का जो शेप आता है वो खाली तब आता है जब बारिश होती है और पानी एकदम स्पीड में फ्लो करता है। आप देख सकते हैं कि भाई पानी जो है वो स्पीड में फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि बारिश नहीं है, तो इसके लिए वो जो शेप है वो ये टाइम पे दिखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इट इज़ अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर। सो गाइस अभी हम एक्चुअली आने को यहाँ पे देरी हो गई थी क्योंकि हम ज़िगज़ैग घूम रहे थे, एक रास्ता बंद था, तो अभी लगभग 5 बज रहे हैं, 5:30 और ये जो है 4 बजे तक ही ओपन रहता है, 4:30 तक शायद, तो इसके लिए इतना ख़ास तो देख नहीं पाए हम, लेकिन ठीक है अभी पूरा हमने कुर्ग घूमना है 2 दिन में, तो ये यहाँ पे आके बस एक देख लिया। ऑल दो जैसे कहते हैं कि मानसून सीज़न में सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ आने का फॉर दिस रिजर्वायर ऑफ कोर्स। सो गाइस आज हमें पहुँचते पहुँचते ही 2:30-3 बज गए थे, तो उसके बाद हम यहाँ पे आए और अभी हम जाएंगे कहीं पे स्नैक्स, लाइट स्नैक्स, टी के लिए, और फिर उसके बाद में हम फिर से जाएंगे अपने रिजॉर्ट, क्योंकि सुबह 6 घंटे की ड्राइव थी, फिर उसके बाद में आके हम डायरेक्टली फ्रेशन अप होके यहाँ आ गए थे, तो फिर उसके बाद में देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। फिलहाल के लिए तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।